कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा, कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहा कौन कहा कौन कहा कौन कहा। ये साधारण मानव के बस की बाहर की बात है, अवश्य कोई मायावी शक्ति इन्हें भ्रमित कर रही है। सारे सृष्टि पर मेरा साम्राज्य होगा। तो क्या इस कलयुग में तुम्हें किसी का डर नहीं? डर? और मुझे? मैं पुण्य का नामो निशान मिटा डालूंगी इस धरती से। इस कलयुगी मायावी पाप ने मानव मस्तिष्क पर सवारी करना सीख लिया है, जिससे आपका ये पाप पुण्य जीवन मरण का लेखा जोखा गड़बड़ा सकता है। मैंने 11,000 वर्षों तक सूर्य देवता की तपस्या की है ताकि मुझे वरदान प्राप्त हो, जिससे मैं हर मानव की काया में गुप्त रूप से उपस्थित रहकर उसके संपूर्ण ज्ञान का महाज्ञाता बन सकूं, ताकि उनके कर्मों का सही सही मूल्यांकन कर सकूं, उनके पाप उनके पुण्यों का लेखा जोखा कर सकूं। परंतु चित्रगुप्त जी, आप उसका साम्राज्य पर अंकुश कैसे लगा सकेंगे? जो पाप मायावी है, जो पाप सर्वत्र है, उसे कैसे दंडित करेंगे आप? नारायण नारायण। अगर मायावी कलियुग की पाप डाल डाल है तो मैं पात पात हूं। नारद जी, आप विश्वास रखें कि पापी कितना भी बड़ा मायावी राक्षसी क्यों ना, उसे उसके पापों के अनुसार दंड अवश्य मिलेगा। आप धन्य हैं चित्रगुप्त, परंतु हम स्वयं देखना चाहते हैं कि पृथ्वी लोक में कलयुगी मायावी पाप कैसे पुण्यात्माओं, पवित्र हृदयों, सात्विक हृदयों को राक्षसी प्रवृत्तियों में बदलने की कोशिश कर रहा है, कैसे मानव मस्तिष्क की सवारी कर रहा है, कैसे मेरे 6 सूत्रों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहा है। चित्रगुप्त, आप अपने दिव्य यंत्रों द्वारा पृथ्वी लोक के ऐसे प्राणियों का दृश्यावलोकन कराइए, और हाँ, ऐसे प्राणियों का भी जो पूर्व से ही पापी और अधर्मी हैं और जिनकी शक्ति को ये मायावी पाप बढ़ा रहा है। जो आ गया प्रभु। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिया
पुण्य का लेखा जोखा। उर्वशी। हाँ माँ। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई, आज सबसे ज्यादा देर तुझे लगी है। नहीं नहीं माँ, आपने पापा से वो बुक्स के लिए पैसे लिए? हाँ, वही तो देने आई थी। ये ले 500 रुपए। सिर्फ 500 रुपए? 500 में कुछ नहीं होगा माँ, मैं अब स्कूल में नहीं कॉलेज में हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, पापा से पूरे 2000 रुपए ले लेना। मैं जानती हूँ बेटा, पर इस महीने तेरे पापा का हाथ तंग है। आलोक और अर्चना की भी फीस भरनी है, उनकी भी किताबें और कपड़े खरीदने हैं। तू एक काम कर ले बेटा, इसमें जितनी भी किताबें हैं ना उतनी ले लेना, और बाकी के अगले महीने। ठीक है माँ, टेंशन मत लो। मैं काम करती हूँ, कुछ किताबें सेकंड हैंड ले लेती हूँ, कुछ लाइब्रेरी से और कुछ फ्रेंड से लेकर चला लूँगी। पापा से कहना बुक्स के लिए टेंशन ना ले, पहले ही वो इतने परेशान रहते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है इस घर पर, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप की तंगहाली को अच्छी तरह से समझते हैं, उन्हें एहसास तक नहीं होने देते। अरे पैसा ना सही कोई काम नहीं, ईश्वर ने मुझे ये जो 3 इतने प्यारे बच्चे दिए हैं ना, वो इस दुनिया के नहीं लगते, लगता है किसी और दुनिया से आया है। माँ, जिन बच्चों को कलयुग में सतयुग जैसे माँ बाप मिले हैं, उसमें तारीफ बच्चों की नहीं माँ बाप की करनी चाहिए। आप और पापा कितने अच्छे हैं, आपके लिए हम जितना करें उतना कम है। चलूंगा, बाय बाय। चल दिया ना। जानवर होते हैं लोग, अरे जानवरों में भी एक डिसिप्लिन होता है, उतरने चढ़ने की तमीज ही नहीं है। बच्चों बूढ़ों को रोन कर चढ़ने में बहादुरी समझते हैं, इन्हें तो इंसान कहने में भी शर्म आती है। ए हीरो, अगर इतना ही हमदर्दी है तो कहां छोड़े अपने बाप की मर्सिडीज, अपने बाप की मर्सिडीज में लेके जाए। चल चल चल, क्या लड़की को देख के हीरो की दिखा रही है? चल 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 आगे चल बढ़ चल। किताबें चाहिए। हाँ बोलो बहन। जी
फर्स्ट ईयर बीएससी की इंग्लिश मीडियम वाली बायोलॉजी और फिजिक्स डी जॉन्स की केमिस्ट्री आर विद्यार्थी की बहन बीएससी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश मीडियम की कोई किताब स्टॉक में नहीं है, रोज आती है, हाथों हाथ बिक जाती है। आप चाहे तो आपके लिए किताबें मंगवा कर रखता हूँ। जी बेहतर होगा। आप अपना घर का फोन नंबर दीजिए, जैसे ही किताबें आएंगी हम आपको फोन कर देंगे। जी ठीक है, लिखिए। बोलिए। 236 236 19 19 50 50। जी, और मेरा नाम उर्वशी। ओह जी, जरा जल्दी मंगवाइएगा, मुझे किताबों की बहुत जरूरत है। ठीक। हाँ बोलो मियाँ, बेचने आए हैं या खरीदने? गलती से आ गया मियाँ आपकी दुकान पर, क्योंकि खरीदने की मेरी हैसियत नहीं और बिकने को मैं तैयार नहीं, क्या समझे? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह मियाँ, कैसे कैसे नमूने इस जमी पर भेजे हैं। ठीक है, पर हमारी दुकान पर क्यों? उर्वशी, उर्वशी देखो तो बेटा किसका फोन है। हाँ माँ। हेलो, कौन? जी, आपके यहाँ किसी को बीएससी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश मीडियम की किताबें चाहिए थी? हाँ हाँ, मुझे ही चाहिए थी। आप मॉडर्न बुक स्टोर से बोल रहे हैं ना? जी नहीं। जी नहीं, तो फिर आप कौन बोल रहे हैं और आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला और आपको कैसे पता चला कि हमें किताबें चाहिए? देखिए, मैं एक बहुत ज़रूरतमंद स्टूडेंट हूँ, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और मेरे पास वो सब किताबें हैं जो आपको चाहिए, वो भी सेकेंड हैंड दुकान की कीमतों से भी कम दामों पर। लेकिन आप हैं कौन और हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये सब कैसे पता चला? मैं आपको कल बस स्टॉप पर मिला था, कल वहाँ मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ था, याद है आपको? ओह, आप समझिए। दरअसल आप जिस दुकान पर किताबें खरीदने पहुँची थी, मैं भी उसी दुकान पर किताबें बेचने पहुंचा था और मेरे पास वो सब किताबें थी जो आपको चाहिए थी। जब आपने उन्हें फ़ोन नंबर बताया तो मैंने आपका फ़ोन नंबर लिख लिया। अब चाहता तो उस दुकानदार को मैं किताबें बेच देता, लेकिन उसमें हम दोनों का नुकसान हो जाता। वो कैसे? देखिए, उन किताबों को वो 100 रुपये की किताबों को 40 रुपये में खरीद कर और 60 रुपये में बेचता, जिसमें 20 रुपये आपका और 20 रुपये मेरा नुकसान हो जाता। जी मैं समझ गई, अब मैं ज़रा मम्मी से पूछ लेती हूँ, आप प्लीज़ एक मिनट होल्ड करेंगे? हाँ। अरे माँ, एक स्टूडेंट का फ़ोन है, बहुत गरीब लगता है, शायद उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है और उसके पास वही किताबें हैं जो मुझे चाहिए, दुकान से कम दामों में दे रहा है, घर बुला लूँ उसे? अरे तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा, एक ज़रूरतमंद ही दूसरे ज़रूरतमंद का दर्द समझ सकता है, जा बुला ले उसे। ठीक है। हेलो जी, आप घर आ जाइए। हाँ, आप एड्रेस लिख लीजिए। जी बोलिए। 16 MOG Lane। हाँ ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ठीक है।5 तो बजे नहीं है,
कौन होगा? शायद वो जल्दी तो नहीं आ गया। हेलो। कौन है बेटा? मम्मी, वो किताबों वाला। I'm so sorry, मुझे आपका नाम नहीं पता था। चित्रांश, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, छोटा सा नाम है। चित्रांश, चित्रांश जी आइए ना, अंदर आइए। लीजिए, किताबें चेक कर लीजिए। जी हाँ। ये बिल डिस्काउंट के साथ, एज पर कमिटमेंट 20% लेस। थैंक्स अ लॉट, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ये तो 500 रुपए हैं, मेरा पेमेंट तो 370 का है, मैं बाकी देता हूँ। आपकी बैग। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। अरे पापा, क्या बात है, जल्दी घर आ गए? ऑफिस की गाड़ी इधर ही आ रही थी तो लिफ्ट मिल गई, बस के धक्के से ही बच गया और टाइम भी बच गया। नमस्ते अंकल। अरे आपको, आपको ही देखा है मैंने। पापा ये चित्रांश है, पुरानी किताबें देने आया था, माँ ने कहा घर पर बुला लो तो बुला लिया। आप चित्रांश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक बलेश्वर सिंह चौधरी के बेटे हैं ना? अरे आपने कई बार मेरे कई पेपर्स पर साइन किए हैं, आपने मुझे पहचाना नहीं? आप पीके सक्सेना साहब हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में काम करते हैं, पार्ट टाइम हमारे ऑफिस के अकाउंट्स भी आप ही देखते हैं। अंकल मैं आपको क्यों नहीं पहचानूंगा? अरे बेटे तुमने इनको बैठने को नहीं कहा? नहीं अंकल, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है थोड़ा। लेकिन तुम ये पुरानी किताबें, मैं कुछ समझा नहीं। अंकल खुदा ने किस्मत में लिख कर अमीरी कहा, इनका मिजाज फकीराना बना दो। एक साल पहले ही सोने की लंका और महाधिपति रावण जैसे पिता से रिश्ता टूट चुका है। क्यों बेटा, अपने पिता और घर के बारे में इस तरह के शब्द? लंबी कहानी अंकल, फिर कभी सुनाऊंगा, अभी तो बहुत जल्दी में हूं, बहुत सारी जरूरतें पूरी करने में जुटा हूं। आपके घर आया था किताबें बेचने, किताबें बिक गई, पैसे जेब में पहुंच गए, अब इजाजत दीजिए। जिंदगी ने आपसे दोबारा मिलाया तो आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ पापा, मैं छोड़ आती हूँ। थैंक्स। कैसा लगा मेरा नया इंट्रोडक्शन? वाह ऊपर वाले, क्या स्क्रीन प्ले लिखता है, यू आर ग्रेट राइटर। बाय, टेक केयर। थैंक यू। पापा क्या कहा आपने, किन के बेटे हैं ये? अरे बेटा ये करोड़पति का बेटा है, इनसे ज्यादा पैसे वाला इस पूरे शहर में, क्या पूरे स्टेट में नहीं मिलेगा। और तुझे कहाँ मिला? वही सेकेंड हैंड किताबों वाली दुकान में, कह रहा था पैसे की बहुत जरूरत है। वाह वाह भाई वाह, जहाँ चने हैं वहाँ दांत नहीं और जहाँ दांत हैं वहाँ चने नहीं। करोड़ों की संपत्ति है वहाँ खर्च करने वाला कोई नहीं, और जहाँ जरूरत है वहाँ पैसे ही नहीं। वाह ऊपर वाले, तेरा लेखा कमाल है।
ये मुझे हो क्या रहा है? मैं किसी अजनबी के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? दिल जैसे भाग रहा है उसकी तरफ। अब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? कोई अता पता भी तो नहीं। आंधी की तरह आया और अचानक कैसे तूफान की तरह मेरे वजूद पर छाता जा रहा है। अभी जोशे बहारा देखना है, ना देखा जाएगा जलता नशीमन। अच्छा तो जनाब लिखते भी हैं? हर इंसान का अक्स वहां पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहा